बहुत लोग जो हमारे चेले नहीं हैं और बहुत लोग जो किसी किसी मतलब तरीके से किसी किसी गुरु के साथ जुड़े हैं तो लग रहे हैं, तो मुझे कोई कोई हैं जो जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे गुरुजी आपके वाली इसी टेक्निक से हमें बैठाते हैं, तो हम आपका वाला जो ट्रैक है सीढ़ी है उसी से बैठते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम बैठ ही नहीं पाते थे बिल्कुल, तो उससे हम बैठ पाते हैं और आपका धन्यवाद करने आए। पर ये उनके गुरु की बेईमानी है कि वो आज तक सामने से आकर के ये बात स्वीकार नहीं कर पाए। ज्ञान किसी का नहीं है, पर उस ज्ञान की अप्रोच किसी की कैसी होगी, उसकी उसका सिस्टम कैसा होगा, वो सिस्टम तो उस व्यक्ति से आया है। हमारे जो पुराने जैसे कुछ परिचित लोग हैं, कभी कभी मिलते हैं तो वो मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि ये, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम एक साथ थे कभी, तो जो ये जो हम जानते हैं वही ये जानते हैं, और फिर उन्हें लगता है अच्छा ये जो आप बताते हो ये कहाँ से आपने पढ़ा। मैंने कहा अगर हर चीज़ किताबों में मिल जाती तो सब ले लेते। कुछ चीज़ें किताबों में नहीं हैं, कुछ चीज़ें ग्रंथों में नहीं हैं, कुछ चीज़ें आपकी खोज होती। तो निष्क्रिय में बैठना, और मैंने ये देखा 100 में से 98% लोग निष्क्रिय में लय में चले जाते। बहुत अधिक मात्रा के वो लोग हैं जिनका मन विक्षेप में ही रहता है, तो वो विचार की मक्खियां उनके उड़ती ही रहती। चूंकि वो निष्क्रिय में नहीं बैठ पाते हैं इसलिए फिर कहते हैं अच्छा अभी ओ प्रणव में बैठ जाओ, अभी राम मंत्र से बैठ जाओ, अभी इससे बैठ जाओ, अभी उससे बैठ जाओ। बैठना ही नहीं आता, जहां खाली हुए वहीं नींद में चले जाते। मैं तो देखा है कई लोग ऐसे हैं, उनको कार में कभी बैठने को मिल जाए, कहीं ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाए, कार में बैठी जय ही कार चली वहीं सो जाते। या तो कुछ कर सकते हैं या सोच सकते हैं, जागृत होकर रह ही नहीं सकते। ट्रेन में, बस में, प्लेन में, कार में, कितनी बड़ी संख्या लोगों की जो सोते ही रहते हैं। 8 घंटे का सफर होता है लंदन का, तो मेरे साथ जितने जाते हैं तो मैं कभी पूछ लेती हूँ और कभी चक्कर लगाते हैं जब थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए, तो देख लेती हूँ सब सो रहे होते। 8 घंटे सीट में आप बैठे हैं, न्यूयॉर्क जाइए नॉनस्टॉप 14 घंटे आप सीट में बैठे हैं, तो सीट में बैठ करके आप आत्मध्यान भी कर सकते थे, आप मन का विश्लेषण भी कर सकते थे। पर किस में प्रवृत्ति होती? नींद में। तो या तो सो जाओ और या मन बोलता रहता है, तो आत्मध्यान कहां हो रहा है? चूंकि उतनी पीड़ा से, उतनी लटक, उतनी लगन से, उतने मन की लटक से आप साधना करते ही नहीं, इसलिए साधना जब ठीक नहीं होती है तो उसका क्या कष्ट होता है, उस कष्ट की तुम कल्पना भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपने वक्त नहीं लगाया, आपने ढूंढा ही नहीं है कभी, आपने सिर्फ सुना है। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, सुनते हैं आप, सुनते हैं और देन बैक टू योर नॉर्मल व्हाट एवर रूटीन इट इज। यू डोंट सिट डाउन टू वॉच योर ओन माइंड, यू डोंट सिट डाउन। क्या अब मैंने, अब जब पतंजल हमने कराया था तो पतंजल योग करते समय पर समाधि की बात करी, प्राणायाम की बात करी, कुंभक की बात करी, पर कितने श्रोता थे जिन्होंने तड़प से जाकर के इसकी कोशिश की हो कि मेरी एटलीस्ट और कुछ नहीं तो सविकल्प समाधि या शब्दानुगत समाधि या विचार अनुगत समाधि, कोई तो समाधि का एक्सपीरियंस हो जाए। बात ये है, हम तो बोल ही सकते हैं ना, हम तुमको पकड़ के बैठा थोड़ी सकते।
अब आप निधिध्यासन को सिर्फ शब्द से समझना चाहेंगे तो मैं हजार वाक्य बोल दूंगी तो भी समझ नहीं आएगा. यू हैव टू सिट डाउन एंड यू हैव टू फेस ऑल द क्रैप विच यू हैव फिल्ड इन योर माइंड. सिवाय संसार के मन में और कुछ नहीं मिलेगा. संसार का कूड़ा करकट, कुछ पास्ट की वृत्तियां आ जाएंगी, विचार स्मृतियां बन जाएंगी, कुछ आगे की चिंताएं आ जाएंगी, कुछ वर्तमान की आ जाएंगी, कुछ शरीर की आ जाएंगी. शरीर के संबंधियों के विचार आ जाएंगे. तो विचार ही विचार हैं. मैं कह रही हूं आप कोई सीडी इस्तेमाल ना करो, कोई म्यूजिक नहीं लगाओ, ऐसे ही बैठो और देखो अपने देह को और देखो श्वास को और देखो मन को. 5 मिनट 10 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाए तो या तो विक्षेप से उठ जाओगे और या तो फिर सो जाओगे. मन बोर हो जाता है तो सो जाता है. अब सविकल्प समाधि तब होवे जब पहले आपने ध्यान ठीक से किया हो, और ध्यान ठीक तब होवे जब प्रत्याहार किया हो. देखो या जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो हॉस्पिटल जाए तो वो ओपीडी में दवा दे देते, चलो छुट्टी हो गई. पर किसी का सर्जरी होना हो तो सर्जरी भी छोटी हो सकती, कई ओपीडी में हो जाती हैं. पर कोई बहुत इन्वेसिव होनी है, काट फांट वाली, कोई किडनी निकालनी है कि कोई ट्यूमर हो गया है कि कोई बाईपास होना है, तो वो तो ओपीडी में नहीं होगा. वो तो फिर भर्ती करना पड़ेगा पेशेंट को एक हफ्ता पहले कभी कभी के बीपी ठीक नहीं है जी, फलाना ठीक नहीं जी, शुगर ठीक नहीं, सारे पैरामीटर सही होने चाहिए. देन दे कीप ऑन टेस्टिंग 24 घंटा पहले और ज़्यादा सख्ती हो जाती है, और 12 घंटे पहले तो मरीज को खाना पीना भी बंद कर देते हैं कि अब कुछ खाना नहीं कुछ पीना नहीं, और गाउन पहनाया और फिर बेहोश किया और फिर ले गए और फिर लंबी सर्जरी हुई. सर्जरी के बाद भी बड़ी लंबी रिकवरी होती है तो 2 दिन 3 दिन कभी वो CCU में रख लेते हैं, कभी वो अंदर ही रख लेते हैं ICU में. फाइनली वो रूम तक आने में पेशेंट को कभी 3 दिन, कभी 4 दिन, कभी 5 दिन, कभी हफ्ता भी लग जाता है, कभी महीनों भी लग जाते हैं. अभी कोई सज्जन मिले हमें, वो 1 महीने ICU में पड़े रहे, कोलन कैंसर की सर्जरी हुई, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई, ICU में ही पड़े 1 महीने वो वहीं पे रहे. बोले मृत्यु इतनी करीब से देखी है, और मन का असहाय होना और शरीर का असहाय होना, एंड आपके शरीर में दुनिया भर के पाइपें डाले जा रहे हैं और दुनिया भर के इंजेक्शंस लग रहे हैं. बोले लगे जैसे हम अरे जिंदा है अभी शरीर, क्योंकि अब वो उलट पलट शरीर को कर रहे हैं, काट फांट कर रहे हैं, है ना, वट एवर प्रोसीजर्स, दे आर पेनफुल प्रोसीजर्स, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल प्रोसीजर्स. बोले वो सब हो रहे हैं शरीर पर, तो अपने ही शरीर से घिन भी आता था और असहाय और लगता था क्या है ये, और बेचैनी भी होती थी कि या तो मर जाए ये शरीर, यही अच्छा है, तो क्या हो रहा है मेरे साथ, साइड इफेक्ट्स हो गई, ये हो गया, वो हो गया. एनी हाउ महीने बाद वो बाहर निकले. एंड समटाइम्स द बॉडी डोंट इवन सर्वाइव विद ऑल दैट एग्रेशन विच कम्स टू द बॉडी. इट इज अ शॉक. अ सर्जरी इज अ शॉक टू द बॉडी. तो किसी गंभीर समस्या के लिए एक डेडिकेटेड प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट्स होते हैं सर्जरी के. ऐसे ही इस एग्जाम्पल को लीजिए आप कि कोई आदमी समाधि की चाह करता है तो समाधि का प्री बहुत बड़ा है, उसकी प्रेपरेशन बहुत बड़ी है, और समाधि हो जाने के बाद भी उसका कुछ पोस्ट का एक कुछ उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उसका एक अपना असर होता है. समाधि जिसका लक्ष्य है वो अपने जीवन में, और सही बात तो यह है कि जिसके अंदर ये आग लगी हुई हो के मैंने, ये वैराग्य की बात है. वैराग्य नहीं है तो फिर अब हाइपोथेटिकली पूछते रहो सवाल मेरे से, हाइपोथेटिकली मैं जवाब देती रहूं, उससे तो कुछ नहीं होने वाला. वैराग्य सबसे बड़ी इसकी प्री कंडीशन है. श्रवण की भी, मनन की भी, और निधिध्यासन की तो निश्चित रूप से है.
वैराग्य हो, उतनी डेडिकेशन हो। अभी एक लंदन में मुझे एक डॉक्टर मिली, वो फुल टाइम जॉब करती हैं, शादीशुदा भी हैं, बच्चे भी हैं, तो ऐसे कोई बात हुई तो मुझे कहती 2.5 घंटा साधना करती हूँ। Isn't it amazing? Doing so much और फिर भी 2.5 घंटा निकालती। तो अभी शिविर में थी तो मालूम हुआ कि वो ऋषिकेश आ चुकी है शिविर में और कई सालों से सुनती है, पर आमने सामने बात करने का अवसर उसका अभी हुआ। क्यों दे रही 2.5 घंटा? कुछ प्राप्ति के लिए कुछ यत्न तो करना पड़ेगा कि नहीं, कि ऐसे ही त्राटक सिद्ध करने के लिए 6 महीने से 1 वर्ष लगता है, कुंभक सिद्ध करने के लिए कम से कम 3 वर्ष शरीर की तैयारी होनी चाहिए तो कुंभक के लायक शरीर होता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। वेदांत में जब आप पढ़ते हैं कि क्या है साधन, तो साधन में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोमोक्षता आई, तो विवेक के साथ बड़ा है वैराग्य। जो विवेकी नहीं वो वैरागी नहीं है, जो वैरागी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो विवेकी नहीं है। ज्ञान सुन लेने से विवेक नहीं होता और अपना नाम विवेक रख लेने से भी विवेक नहीं होता। विवेक होगा तो वैराग्य होगा, विवेक का फल वैराग्य है, और वैराग्यवान हो और विवेकवान हो तो वो तभी होगा कि उसको षट संपत्ति है। और जिसके षट संपत्ति है वो क्यों षट संपत्ति के लिए मेहनत कर रहा है, समदम श्रद्धा इत्यादि इन गुणों के लिए वो क्यों कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका लक्ष्य मोक्ष की चाह है। तो वेदांत खाली टाइम पास करने वालों के लिए नहीं है। जो जिनको सिर्फ टाइम पास करना है, वो जब हम ओपन सेशंस में बोलते हैं ना, वो मेरा सही में टाइम पास होता है, टाइम पास ही मैं उसको कहती हूँ। पर कईयों के लिए वो इनिशिएशन है, तैयारी है इस मार्ग पे चलने का, एक उनका इंट्रोडक्शन होता है। ओके फाइन, आई लव टू डू दैट ऑल्सो, लेकिन ज्ञान की जो बात असली है वो तो तब हम कहें ना जब उसने कुछ वैराग्य, कुछ सत्संग, कुछ थोड़ा तो किया हो। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे परहेज ना करे और वैद्य के दवाई लेने जाए तो अच्छा वैद्य कहता हम दवाई नहीं देते, तुम परहेज नहीं करते। तो होना ये चाहिए कि शिविर में उनकी भर्ती होनी चाहिए जो घर में भी कुछ करते हों। जो घर में ही कुछ नहीं करते हैं तो वो, और ऋषिकेश तो खास करके मुझे लगता है बिल्कुल विंटर वेकेशन है लोगों के लिए, फैमिली सहित सब घूमने आ जाओ और खाना पीना सब मिल जाएगा, एंटरटेनमेंट के लिए मैं हूँ और गाएंगे और बजाएंगे और बाकी यहाँ घूमो वहाँ घूमो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस। इस शिविर के लिए, वेदांत सार शिविर के लिए हमने जैसे ही शर्त लगाई कि गीता करा हो और विचार चंद्रोदय करा हो, वो कितने लोग जो टैचियां बांध के बैठे थे तैयार के हम जाएंगे आश्रम में, बड़ा मजा आता है, वो सब रह गए। फिर लगा झूठ बोल करके भी आ सकते हैं, फिर कहा नहीं एग्जाम भी होगा। अब देखिए ना, अब आपके ऊपर मुझे इतना ही विश्वास है कि मुझे ये सब कहना पड़ता है। कहीं उन्होंने पूछा कि इम्तिहान हुआ था, मैंने कहा नहीं इस बार तो नहीं हुआ, ऐसे ही मैंने विश्वास कर लिया है। और कोई फिर भी विश्वासघाती आके बैठ गया है तो उसको लाभ तो होने नहीं वाला, उल्टे गुरु को झूठ बोलने का पाप उसके सिर पे आ जाएगा, बड़ा भारी पाप होता है। गुरु से झूठ बोलने से बड़ा पाप और कोई नहीं होता। चोरी चकारी 1000 बार कर ले, डाका बेईमानी ठगी 1000 बार कर ले, गुरु से एक बार भी झूठ बोला तो वो मुश्किल हो जाएगी भाई। मैं तो थोड़ा हम विश्वास फिर कर लेते भाई, अपना कर्म वो बना रहा है, अब मैं अब उसके कर्म की हिसाब किताब काहे रखूं। तो शिविर में आना हुए तो वो इसीलिए कि कहीं तो कैसे समझाएं प्यारे, इसकी क्या वैल्यू है, इसका क्या मूल्य है, तुम समझते नहीं।
तो मन को तो साधो प्यारे, कुछ तो समता, कुछ इंद्रियों का दम, कुछ तितिक्षा, कुछ श्रद्धा, कई कई ऐसे भी हैं। बोलो हम तो 20 साल से सुन रहे हैं, हम सब पता है। अभी जो बात आज सुना है ना तुमने, तुम्हें मालूम है ये हमने 20 साल पहले सुना था। अच्छा तुम बताओ क्या समझ आई थी। दूसरों का टेस्ट भी लेने लग जाते हैं, खुद वो पूरी तरह से फेल होते हैं। स्वयं को 100 में से 100 दे लेने से आप पास नहीं हो जाते हो। 100 में कितने नंबर देंगे तो टीचर देगा ना। तो कभी अपने टीचर से पूछ लेना चाहिए, अपने गुरु से पूछ लेना चाहिए, आप हमको कहाँ देखते हैं, हम साधना में कहाँ हैं, 0 हैं 2 हैं कि 4 हैं, 100 में से कहाँ खड़े हैं हम। आप ही आपको नंबर थोड़ी देने चाहिए। तो वैराग्य हो, षट संपत्ति हो, तो त्राटक करेगा तो त्राटक अच्छी होगी, प्राणायाम करेगा प्राणायाम अच्छा होगा, क्योंकि मन यहाँ वहाँ भाग ही नहीं रहा है, इसलिए वो उसका बैठना बड़ा अच्छा होगा। वो मंत्र से बैठे तो भी अच्छा, प्राणायाम करे तो भी अच्छा, और प्राणायाम करते करते प्रत्याहार होगा, उसका फल है। प्रत्याहार करता है तो उसका फल धारणा है, धारणा ठीक सिद्ध हो गई वही ऑटोमेटिकली ध्यान है, और ध्यान का ही फल समाधि है। समाधि के लिए डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते,